हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं राजेश जाट आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी का मोस्टली टीए को लेकर क्वेश्चंस आ रहे थे और आपको ये कंफर्मेशन चाहिए था कि क्या सर टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती इस साल होगी कि नहीं। ठीक है, काफ़ी बच्चे इसी क्वेश्चंस को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति में हैं और जो बच्चे भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते हैं और जिन बच्चों का ड्रीम इंडियन आर्मी था बट वो ओवर एज हो चुके हैं। जैसे सभी स्टूडेंट्स टीए को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो टेरिटोरियल आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट हम लगातार देख रहे हैं कि लास्ट दो साल से टीए की भर्ती नहीं हुई, उसके कारण बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं। ठीक है, मुझे भी काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बताइए प्लीज़ क्या टीए की भर्ती इस साल आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि टीए की रैली भर्ती बंद हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको थोड़ा सा अगर समय मिले तो मेरे वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हमेशा अक्सर आपको टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, 2-3 साल से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ और मुझे जहाँ तक लगता है मैंने टीए के बारे में वो हर एक टॉपिक पे वीडियोस बनाया है जो आप बच्चों के लिए टीए ज्वाइन करने के लिए आपकी मदद करेगा। बट साथ ही साथ एक क्वेश्चन यही उठ के आता है कि क्या सर टीए की भर्ती कब आएगी। मेन क्वेश्चन तो यही है ना, चाहे हम कितना भी वीडियोस बना ले, चाहे कितने भी इंफॉर्मेटिव मोटिवेशनल वीडियोस बना ले, बट बच्चा वहीं आके रुक जाता है कि सर कब आ रही है टीए की भर्ती। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको आज अच्छे से दे रहा हूँ। ठीक है, आप अगर जेन्युइनली और अगर आप सीरियस हैं तो बार बार ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। देखिए गाइस, हम सभी के सामने एक ही सिचुएशन है अभी। ठीक है, और वो जो सिचुएशन है वो है कोविड। ठीक है, 19 कोविड 19 अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अभी भी इंडिया में हाई अलर्ट पे है हमारा कंट्री। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो सेना भर्तियाँ हैं वो स्थगित की जा रही हैं और इवन यहाँ तक कि जो बच्चे ऑलरेडी फिजिकल एआरओ में मार चुके हैं, जिनका फिजिकल मेडिकल कंप्लीट हो चुका है और जिनकी रिटर्न एग्जाम बाकी हैं, वो भी पोस्टपोन होती जा रही है ड्यू टू कोविड 19 सिचुएशन। ठीक है, तो गाइज टीए का जो रैली है वो भी कहीं ना कहीं यही रीज़न है। देखिए, मैंने आपको एक 2 से 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि राजीव सेंटर जो दिल्ली का है वहाँ पर ऑलरेडी वो जो मेन सेंटर है, ठीक है, टीए का, वहाँ पर ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुकी है कब टीए की वैकेंसी, कब टीए की रैली भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी, कौन से जोन की कब डेट निकाली जाएगी। बट वो जो आगे की जो डिटेल्स, जो आगे की इन्फॉर्मेशन है वो आगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना वो आगे फॉरवर्ड की जा चुकी है, बट वहाँ से आगे से ही जब वापस से फीडबैक नहीं आएगा तब तक उनके पास भी अथॉरिटी नहीं है कि वो रैली भर्ती कंडक्ट करवाएँ। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं हम सभी यूथ के लिए भी एक ड्रॉबैक है और इस पे मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक, अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टीए के अकेडमियाँ हैं जो बच्चों को टाइम टाइम से गाइड करती हैं, वो इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ठीक है, हम हमारी तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं वो बिल्कुल करेंगे, बट फिलहाल में अभी ये ध्यान रखना कि टीए की भर्ती में तो क्या अभी कोई भी नहीं बता सकता कि टीए की भर्ती कब आएगी, कब नोटिस रिलीज होगा इसका। ठीक है, इसलिए मैं आपको यही सजेशन दे सकता हूँ कि आप अपनी रनिंग कंटिन्यू रखें। देखिए, रनिंग आप कंटिन्यू रखें, ऐसा नहीं है कि टीए की भर्ती बंद हो गई है। टीए की भर्ती 101% आएगी, बट जैसे ही आएगी ना आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे, इतना कम टाइम रहेगा आपके पास कि आपको तैयारी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जो बच्चे ऑलरेडी 1-2 साल से अपने आप को तपा रहे ना ग्राउंड में, वो ही बाजी मारेंगे, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वैसे भी टीए में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि टीए की भर्ती कब आएगी, तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार वही बच्चे पूछते हैं जो घर पे ना, जिनसे सुबह 4 बजे उठ के रजाई में से निकलने की हिम्मत नहीं होती है। जो बच्चा सीरियस है ना वो अपनी मेहनत कंटिन्यू कर रहा है, चाहे फिर ग्राउंड पे कोई आए या ना आए, या जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो आपको हमेशा ग्राउंड पे मिलेगा, अपनी मेहनत करता हुआ मिलेगा, चाहे भले वो 1 किलोमीटर रन करे, 2 किलोमीटर रन करे, जो भी उसका ट्रेनिंग शेड्यूल है उसको फॉलो करे, उसके बाद जो भी रिटर्न एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कंटिन्यू बच्चे कर रहे हैं और यही बच्चे जो हैं नेक्स्ट आने वाली भर्ती में सीट लेकर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स सीरियस हैं उन्हीं के लिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूं,
ठीक है, कभी बच्चे डिमोटिवेट ना हो। और आपको यही मैं सजेस्ट करूँगा कि देखिए बहुत जल्द आएगी भर्तियाँ, और जैसे कंफर्म भर्ती होगी ना हम ज़रूर बताएंगे। तो अपनी तैयारी ना छोड़ें, अब अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, और साथ ही साथ फिज़िकल के साथ साथ अपने रिटर्न पर भी फोकस कर लीजिएगा। क्योंकि आप चाहे कितना भी अच्छा फिज़िकल कर लेंगे ना, रिटर्न आपको फेस करना ही है। और रिटर्न जब तक नहीं होगा ना, आपकी ये फिज़िकल की जो मेहनत है कभी काम नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी हाई लेवल पर है, चरम सीमा पर है, तो आपको दुगनी मेहनत करना पड़ेगी। जितनी मेहनत आप ग्राउंड में करते हैं ना, पसीना बहाते हैं सुबह 4 बजे उठ के, उतनी ही मेहनत आपको 4 से 5 घंटा अपने स्टडी पे देना पड़ेगा। आपकी रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी आपको करना पड़ेगी, और कहीं से भी आप करें, ऑफलाइन के या ऑनलाइन, जहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है वहाँ से करें। बट आप फोकस दोनों पे करें, दोनों को बैलेंस बना के चलेंगे ना, तभी आप कहीं ना कहीं सीट ले पाएंगे। आज के टाइम पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं टीए के रिगार्डिंग कुछ ऐसे चैनल्स है या कुछ एकेडमी है जो आर्मी रैली भर्ती को लेकर कुछ थोड़ी सी मतलब आप तक एक मुहिम है छोटी सी। देखिए मुहिम तो क्या, एक आवाज़ है जो सभी बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो मुझे भी 2-3 जनों का फ़ोन आया था कि सर जितना हो सके आप अपने पॉइंट्स रखिएगा, ठीक है। तो मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो जिस लेवल पर हम हमारे स्तर पर कर सकते हैं, जो भी पॉइंट हमारे लेवल पर होंगे हम रखेंगे, ठीक है। बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि देखिए आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए एज ए स्टूडेंट्स। क्योंकि यूनिटी इज़ द मेन पावर ऑफ यूथ, ठीक है। सो यूनिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको आगे एक्चुअली में जो सर ने हमें बताया है कि क्या आगे की फर्दर प्रोसेस है रिक्रूटमेंट रैली के रिगार्डिंग, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।